हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है पटना कलम पेंटिंग। बीपीएससी मेंस के सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है और 68 बीपीएससी मेंस में इससे एक सवाल आया था। हर अल्टरनेट ईयर्स इससे सवाल पूछे ही जाते हैं, तो फिर ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, पटना कलम पेंटिंग के बारे में। तो करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं कि लोग पेंटिंग करना शुरू क्यों किए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जिससे पेंटिंग करना उनको सही लगा। मतलब इसके बारे में हम लोग बैकग्राउंड के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेंटिंग रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ऐसा पाया गया है कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो पेंटिंग को जो मिला उसका नाम क्या बोला गया, भीम बेदका पेंटिंग। पहला एग्जांपल जो होता है पेंटिंग का भारतीय इतिहास में, वो यहाँ से भीम बेदका पेंटिंग से मिलता है। अगर इतिहास में और अगर देखा जाए, खंगाला जाए, तो हमारा जो महायान बुद्धिज्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महायान बुद्धिज्म जो था उसमें आगे चल करके गौतम बुद्ध का, लॉर्ड बुद्धा, उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी लोग उन्हें पूछते थे, लॉर्ड बुद्धा को लोग पूछते थे। सो पेंटिंग की प्रथा काफ़ी पहले से चलती आ रही है। हम लोगों इस दो एग्जांपल से हम लोग ये कह सकते हैं कि पेंटिंग की जो प्रथा है, लिगेसी ऑफ पेंटिंग, जो कि काफ़ी पुरानी है, ठीक है। मन में ये सवाल उठता है कि लोग एंशियंट टाइम से ही पेंटिंग्स क्यों करते चले आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं क्यों, वाई, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर पेंटिंग चार वजहों से करते हैं। अब कौन कौन से वो वजह हैं उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रीज़न है, ये टॉपिक पहले लिख लेते हैं, रीजंस व्हाई पीपल ऑप्टेड टू डू पेंटिंग्स, लोगों ने क्यों पेंटिंग करना चुना, क्यों करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला वजह है अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, बयां करने के लिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। दूसरा इसमें क्या वजह है, यह है कि आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला को अपने आने वाले पीढ़ियों को वो बता कर जाना चाहते थे कि वो उनके मन में ये चलता था कि जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो कोई परेशानी ना झेले, और जो आर्ट ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, कैसे रहा जाए इतना हार्श इन्वायरमेंट में, वो इस पेंटिंग के द्वारा बयां करना चाहते थे, इसलिए वो लोग पेंटिंग किया करते थे, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा जो रीज़न है वो है सेरेमोनियल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि शादी हो गया, बर्थडे हो गया, या मतलब कि गांव में हम लोग देखते हैं कि दिवाली के टाइम पर भी रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए सेरेमोनियल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, किस लिए, टू सेलिब्रेट सेरेमोनियल एक्टिविटीज लाइक मैरिज एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। अगर इसमें और आगे बढ़ा जाए तो हम लोग फोर्थ रीजन जो लिख सकते हैं उसमें ये हो सकता है कि जिस इन्वायरमेंट में लोग वहाँ पे पहले रहा करते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिखने की जो कला है, लिखने की जो प्रथा है, वो तो पहले विकसित नहीं हुई थी, ना ही पहले कोई लैंग्वेज था, लैंग्वेज के रूप में बस एक पेंटिंग ही था, एक चित्रकारी ही था जो कि डेवलप था। इसलिए खुद के रहने का तरीका और अपने सराउंडिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए
वो पेंटिंग किया करते थे, मतलब उनका जो इन्वायरमेंट है कैसा है वो बताने के लिए लोग पेंटिंग किया करते थे। तो क्या लिख सकते हैं, टू रिफ्लेक्ट देयर सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट इन विच दे यूज टू लिव। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा कि रीजंस व्हाई पीपल ऑप्टेड टू डू पेंटिंग, लोग पेंटिंग्स करना क्यों प्रिफर किए। तो इसमें सबसे जो पहला हम लोगों ने देखा, तो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जो रहने का तरीका है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वो आगे जनरेशन को पास करने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टू पास द नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग टू इट्स नेक्स्ट जेनरेशन। तीसरा हम लोगों ने देखा सेरिमोनियल एक्टिविटीज जैसे कि मैरिज और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोगों ने फोर्थ देखा, टू रिफ्लेक्ट देयर सराउंडिंग्स एंड इन्वायरमेंट इन विच दे यूज टू लिव। क्योंकि उस टाइम कोई लिखने की प्रथा नहीं थी ना, कोई लैंग्वेज नहीं था, तो फिर लैंग्वेज के रूप में जो हमारा एक पेंटिंग ही एक मुख्य जरिया बना, मेन मीडियम था ये। मेन मीडियम ऑफ व्हाट, मतलब मेन मीडियम तो हम बोल रहे हैं लेकिन मेन मीडियम ऑफ व्हाट, तो मेन मीडियम ऑफ व्हाट था हमारा इसका कम्युनिकेशन, मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आज हम लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ब्लॉग्स हो गए, जो लोग लिखते हैं ब्लॉग्स इंटरनेट पर, फिर न्यूज़पेपर्स हो गया, बुक्स हो गए। तो ये आज का जो मीडियम है हमारे एक्सचेंज का, एक्सचेंज ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है, ये सब मीडियम है। लेकिन पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, ये सब डेवलप नहीं था, तो इसलिए लोग पेंटिंग के द्वारा, बाई पेंटिंग्स पीपल यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो इसका प्रसार, यानी कि पेंटिंग का इवोल्यूशन, इवो इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग्स मिलनी मुगल काल में देखा जाता है। किस काल में देखा जाता है, मुगल काल में, मुगल काल में मिलनी पेंटिंग्स का इंडियन हिस्ट्री में प्रसार देखा जाता है, प्रसार। हम लोग मुगल काल को जो है, मुगल काल के जो जहांगीर का एक रूलर था हमारा, जहांगीर, तो जहांगीर का जो रूल था उस ड्यूरेशन को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स बताया जाता है। क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स किस मुगल काल, किस मुगल शासक के काल को बताया जाता है, तो वो है जहांगीर। ठीक है, इसका स्वर्ण काल हिंदी हो जाता है, मुगल गोल्डन एरा मतलब स्वर्ण काल। ठीक है, मुगल काल के पतन के बाद इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के पेंटिंग्स का जन्म हुआ, और उन सब में एक खास बात ये थी कि सभी फॉर्म्स में मुगल पेंटिंग्स का प्रभाव दिखता है। क्या दिखता है, मतलब कि जिस वे में मुगल पेंटिंग किया जाता था, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जिस स्टाइल में पेंटिंग्स किया जाता था मुगल पेंटिंग का, तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, वो आने वाले जो स्टाइल में देखा जाता है। इन्फ्लुएंस को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इन्फ्लुएंस एंड ऑरा ऑफ मुगल पीरियड्स पेंटिंग्स वर विजुअल इन इनकमिंग फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स।
ठीक है, तो मुगल काल का इन्फ्लुएंस और ऑरा आने वाले पेंटिंग्स के स्टाइल में देखा गया। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि पटना कलम पेंटिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है, पटना कलम पेंटिंग, तो इसका जन्म कैसे हुआ और इसकी क्या क्या विशेषता है। हम लोग पहले इसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मतलब इसकी विशेषता क्या थी। फिर हम लोग इसके जो मेन पेंटर्स थे, मेन पेंटर्स कौन कौन थे, कौन कौन इस पेंटिंग को बनाते थे, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इसका डिक्लाइन भी देखेंगे, जो कि मध्य 20वीं शताब्दी, मतलब मिड 20th सेंचुरी को, सेंचुरी में ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। पटना कलम पेंटिंग को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। पटना कलम पेंटिंग, तो जो पहला इसमें हम कुछ क्या जाएंगे, पटना कलम पेंटिंग। दूसरा जो इसका नाम से जो जाना जाता था, वह है था कंपनी पेंटिंग, कंपनी। ठीक है, और जो तीसरा नाम था वो था पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो किसके नाम से जानते थे, पटना कलम पेंटिंग, कंपनी पेंटिंग और पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब जो मुगल शासक था, कौन था, औरंगजेब, उसका जो कार्यकाल 1658 से लेकर 1707, 1658 से लेकर 1707 तक रहा। तो औरंगजेब के बारे में अगर देखा जाए तो वो एक हिंदू विरोधी शासक था, मतलब एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी। ठीक है, एंटी हिंदू था और उसको कोई खास दिलचस्पी आर्ट एंड कल्चर में नहीं थी। क्या नहीं थी, डिस्टेस्ट ऑफ, डिस्टेस्ट इन आर्ट एंड कल्चर, उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तो औरंगजेब के एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी होने और उसको कोई आर्ट एंड कल्चर में कोई खास दिलचस्पी न होने की वजह से, जो वहाँ के जो आम नागरिक थे, आम नागरिक मतलब लोकल लोकल पीपल जो थे, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो उनमें से सबसे जो मेन जो वजह था, जो लोग जिससे परेशान थे, वो था अनएम्प्लॉयमेंट, अन एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत मुख्य वजह था जिससे लोग परेशान थे। ठीक है, तो ऐसे में मुर्शिदाबाद के लोग, मतलब मुर्शिदाबाद जो आज बंगाल में पड़ता है, बंगाल एरिया में मुर्शिदाबाद, अगर प्रेजेंट लोकेशन के बारे में बात सोचा देखा जाए तो मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है, बंगाल में, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के लोग जो हैं कि वो चित्रकार, चित्रकार थे मेनली, लोग चित्रकार थे। तो वो लोग अपना जीवन का जो भरण पोषण करते थे, वो लोग पेंटिंग बना के क्या करते थे, पेंटिंग बेच के करते थे। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद के लोग वहाँ से माइग्रेट करने लग गए। क्या करने लग गए, माइग्रेट मतलब पलायन करने लग गए। तो पलायन करने के दौरान वो लोग पटना आकर, पटना में आकर बस गए। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद के लोग जो वहाँ से लोग पलायन करके पटना में आकर बस गए। तो देखा जाए तो 18th सेंचुरी, मध्य 18th सेंचुरी जो है, उस समय तक पटना काफ़ी डेवलप हो चुका था, काफ़ी फ्लोरिश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे, जो वर्कर्स थे, जो मास्टर्स थे, मतलब यूरोपियन, यूरोपियन मास्टर्स, बिग जमींदार्स, बड़े बड़े जमींदार जो थे, और बड़े बड़े जो व्यापारी, बिग
बिग बिजनेस मैन, ठीक है। तो ये जो तीन तरह के जो लोग हैं वो पटना में मध्य 18वीं शताब्दी तक आकर पहले से जो रहते थे, उनकी वजह से जो उनके जीवन का जो दिनचर्या था, जो जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि जो स्टेटस ऑफ लाइफ जो था, स्टेटस ऑफ लाइफ वाज सो रॉयल, काफी राजा महाराजा टाइप से ये लोग रहा करते थे। तो ऐसे में जो हमारे जो लोग मुर्शिदाबाद से जो आकर यहाँ पे जो बसे, उनके लिए एक क्या हो गया, ये एक अपॉर्चुनिटी हो गया। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किस बात के लिए? अपॉर्चुनिटी इस बात के लिए, इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर पटना में यहाँ पे जॉब्स, इनकम आने का साधन, और जो स्टेटस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जॉब्स हो गया, एक इनकम हो गया, एक स्टेटस ऑफ लाइफ, क्योंकि जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब होगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली स्टेटस ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो एक दो तीन चार चार चीज जो था अपॉर्चुनिटी में, ये लोग मुर्शिदाबाद को जो लोगों को जो हेल्प किया, वो लाइफ को, उनके लाइफ को स्टेबल बनाने में हेल्पफुल इन मेकिंग लाइफ इज देयर लाइफ स्टेबल, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखा जाए तो यूरोपियन मास्टर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वो लोग औरंगजेब की तरह एंटी हिंदू नहीं थे, और उनको काफ़ी दिलचस्पी थी आर्ट एंड कल्चर में। तो ये भी एक वजह बन गया, एक ये भी अपॉर्चुनिटी हो गया, किसके लिए हो गया, वहाँ जो लोकल जो आकर के यहाँ पर बसे थे। तो हम लोगों ने देखा कि अपॉर्चुनिटी, जो लोग वहाँ पर आकर बसे, अपॉर्चुनिटी मिला अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि जो बाहर से जो लोग पलायन करके, मुर्शिदाबाद से जो पलायन करके जो पटना में आए लोग, जो वहाँ के जो लोकल्स यहाँ पर आए, तो वो लोग पटना के डिफरेंट इलाकों में अलग अलग जगहों पे जाके रहने लग गए। तो उनमें जो तीन चार जो मेन सेंटर्स थे पटना के, जो मेन सेंटर्स वहाँ पे जो वो लोग रहते थे, उन लोगों का जो जगह का नाम था, हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से जो मेन सेंटर्स थे उनके बारे में जानते हैं, कहाँ पे वो लोग रहा करते थे। तो मेन सेंटर्स में एक टॉपिक लेते हैं, मेन सेंटर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ माइग्रेटेड लोकल्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो सेंटर था वो था दीवानी मोहल्ला। दूसरा जो सेंटर था मर चहर हट्टा। तीसरा जो था वो था लोधी कटरा, ठीक है। और जो चौथा था वो था दानापुर का एरिया, ठीक है। तो ये लोग आके यहाँ पे रहने लग गए। और जो पांचवा था, एक और था जगह जिसका नाम था अजीमाबाद, ठीक है। तो कौन कौन एरिया था हमारा? दीवानी मोहल्ला, मरचहरहट्टा, लोधी कटरा, दानापुर और अजीमाबाद। तो ये पांच जगहों पे आकर ये लोग जो माइग्रेटेड पीपल थे, जो मुर्शिदाबाद से जो लोग आए थे, वो लोग यहाँ पे रहने लग गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे हम लोग चलते हैं इसमें, और आगे क्या मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे इसमें। तो ये जो लोग थे आकर, जो यहाँ पे जो
इस रीजन में जो हम लोग अभी पढ़ा, मुर्शिदाबाद हो गया, दानापुर हो गया, मजरहट्टा हो गया, तो ये लोग यहाँ पर क्या करते थे, उनका पेशा क्या था, वो लोग भरण पोषण कैसे करते थे। तो यहाँ पर लोग जो थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो लोग मुर्शिदाबाद में पेंटिंग्स का काम करते थे, तो यहाँ पर भी आके ये लोग पेंटिंग्स बनाकर बेचने लग गए। क्या करने लग गए, दे मेड पेंटिंग्स एंड दे सोल्ड, दे मेड पेंटिंग्स एंड दे सोल्ड। तो यही आगे चल करके कुछ समय के बाद ये जो पेंटिंग जो लोकल्स के द्वारा जो बनाया जाता था, यही आगे चल करके पटना कलम पेंटिंग के नाम से जाना गया। ठीक है, इसको हम लोग कंपनी पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा क्या नाम था, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर बसे और यहाँ पे जो अपना पेंटिंग्स बनाकर बेचते थे, तो इसी तरह से हमारा एक पटना कलम ऑफ पेंटिंग स्टाइल का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं कि इन जो पेंटिंग्स जो बनाते थे लोग, उनमें किसका प्रभाव ज़्यादा दिखा। प्रभाव दिखने का मतलब है कि वो लोग पटना कलम पेंटिंग एक अपने अलग विशिष्ट, एक अपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का पेंटिंग नहीं था। उसमें दो पेंटिंग्स, मतलब एक था मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स एंड दूसरा जो था पहाड़ी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग। तो पटना कलम पेंटिंग्स में मुगल पेंटिंग्स और पहाड़ी पेंटिंग्स का इफेक्ट देखा गया। क्या देखा गया, इफेक्ट, एक प्रभाव देखा उस पेंटिंग्स में कि हाँ ये इसमें मुगल पेंट, मुगल स्टाइल से भी इसको बनाया जाता है और पहाड़ी पेंटिंग्स के हिसाब से भी बना जाता है। तो इसलिए देखा गया क्योंकि इसका जो जड़ था, मतलब रूट्स, वो कहीं ना कहीं इन दोनों स्टाइल से जुड़े थे। तो भाई मुगल्स पेंटिंग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि मुगल्स पेंटिंग के दौरान ही पेंटिंग ज़्यादा फ्लोरिश किया, और पहाड़ी पेंटिंग इसलिए क्योंकि जो रीजन से जो लोग आए थे, मुर्शिदाबाद जो रीजन से आए थे, वो मेनली पहाड़ी इलाकों में जो रहा करते थे, तो इसलिए पहाड़ी पेंटिंग का इफेक्ट देखा गया। तो फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग ने देखा क्या देखा कि बॉन्ड इवॉल्व, इवोल्यूशन ऑफ पटना कलम पेंटिंग्स। हम लोग ने देखा इसका जन्म और इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें अब ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इस पेंटिंग्स की विशेषता क्या थी। ठीक है, इसमें कैसी क्या विशेषता थी, कैसे लोग बनाए जा कैसे बनाते थे। जैसे कि आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं, मुगल के द्वारा जो फ्रेस्को मुराल पेंटिंग था उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, एक पिट्रो ड्यूरा भी होता है उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले पटना कलम पेंटिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता थी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, मैं हम लोग टॉपिक बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग्स, इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे क्योंकि लिखने में भी आसानी होगी, नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। सबसे पहला है, जो सबसे फर्स्ट है, वो है ये मुगल पेंटिंग्स की तरह ज़्यादा ग्रैंड नहीं था, भव्य नहीं था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मुगल्स पेंटिंग्स में जो बहुत बड़े पोर्ट्रेट्स बनाए गए, बहुत बड़ा उसमें जो दृश्य जो दर्शाया गया वो काफ़ी भव्य था, कलर्स का जो यूज हुआ वो काफ़ी ग्रैंड था। तो ये उस तरह
क्योंकि इसमें मुगल्स पेंटिंग का इफेक्ट था, लेकिन यह मुगल्स पेंटिंग की तरह ग्रैंड या भव्य नहीं था। तो क्या था, ये एक सिंपल था, साधारण पेंटिंग थी, लोगों के आम दिनचर्या के बारे में इसमें दर्शाया गया। ल्यूसिड थी, मतलब ल्यूसिड मतलब क्या होता है, ल्यूसिड मतलब होता है आसानी से समझा जा सके, मतलब देख के लोग बता सकते हैं कि हाँ ये जो पेंटिंग है, ये जो करेक्टर है, ये क्या है और इससे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें, दीज पेंटिंग्स वर नॉट एज ग्रैंड एज मुगल्स पेंटिंग्स। ठीक है, दीज पेंटिंग्स वर नॉट एज ग्रैंड एज मुगल पेंटिंग्स, दीज पेंटिंग वर सिंपल इन नेचर ल्यूसिड, सिंपल इन नेचर एंड वर ल्यूसिड। ठीक है, एंड वर ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब आप लोग साइड में लिख लीजिए, आसानी से साधारण, मतलब ये जो समझा जा सके देखकर। समझा जा सके, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी जो विशेषता थी, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था, हम लोग ने अभी पढ़ा है कि इसमें पहाड़ी पेंटिंग और मुगल पेंटिंग की इन्फ्लुएंस प्रभाव दिखता है इसमें। ठीक है, क्योंकि लोग पहाड़ी एरिया से आए थे, वहाँ पे पहाड़ी एरिया में पाए जाते थे, और मुगल पेंटिंग का तो इफेक्ट रहेगा ही क्योंकि उसी काल में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, पेंटिंग्स शोड इफेक्ट्स ऑफ मुगल एंड पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने इनका इसका ये देखा, इन्फ्लुएंस किसका था, पहाड़ी और मुगल पेंटिंग का इन्फ्लुएंस इसमें देखा गया। थर्ड हम लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट जो था इसका, इस पेंटिंग का सब्जेक्ट, मतलब जो एक तरह से विषय, हर एक पेंटिंग्स को बनाने के पहले एक विषय चुना जाता था, मतलब एक दिमाग में रहता है कि हाँ अगर हम लोग ये पेंटिंग बना रहे हैं तो इसके पीछे का जो सब्जेक्ट है या वजह जो है ये क्या है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, चूंकि इस पेंटिंग में मुगल का प्रभाव था, लेकिन ये मुगल पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट था वो उससे काफ़ी डिफरेंट था, मतलब इट वॉज ऑल डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम दी सब्जेक्ट्स ऑफ मुगल पेंटिंग। ठीक है, तो क्या था, इट वॉज ऑल डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ मुगल पेंटिंग्स, मतलब सब मुगल पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट था तो उससे काफी डिफरेंट था। क्यों, मतलब कि भाई देख सकते हैं कि मुगल पेंटिंग का तो प्रभाव था लेकिन सब्जेक्ट जो था वो डिफरेंट था। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार साइड में देख सकते हैं कि मुगल पेंटिंग्स का सब्जेक्ट क्या हुआ करता था। लेट मी चेंज माई इंक फर्स्ट। सब्जेक्ट ऑफ मुगल पेंटिंग्स, ठीक है, तो जानते हैं कि मुगल्स के द्वारा जो मुगल्स पेंटिंग जो हुआ करता था उसका सब्जेक्ट क्या था, उसमें क्या, मतलब कि उसकी जो सोच थी, उस पेंटिंग का विषय जो था, मतलब विषय विषय क्या था। तो उसका जो विषय था वो था रॉयल कोर्ट्स, मतलब शाही दरबार। शाही दरबार वो एक मुख्य विषय था उस पेंटिंग से, मुगल पेंटिंग का। और जो दूसरा था, जो पुराने जो मुगल्स काल के जो राजा महाराजा थे वो लोग शिकार पे जाया करते थे। ठीक है, तो वो जो एक दूसरा सब्जेक्ट क्या जाता है, शिकार। ठीक है, शिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हंटिंग। ठीक है,
तो हंटिंग भी एक शिकार पे जाना, रॉयल कोर्ट्स और हंटिंग मतलब कि उसका सब्जेक्ट था, लेकिन पटना कलम पेंटिंग्स का ये इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, ना ही रॉयल कोर्ट्स था और ना ही हंटिंग हुआ था। तो क्या था, तो सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं पटना कलम पेंटिंग्स का सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या था। सब्जेक्ट्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ठीक इसमें सबसे पहला जो होता है लोकल पीपल्स, आम नागरिक के बारे में दिखाया गया। कास्ट ऑक्यूपेशन, कास्ट ऑक्यूपेशन मतलब उसको हम लोग एक अलग नाम से अगर लोकल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो लोग उस लोग फिरकी के नाम से भी जानते हैं। कास्ट ऑक्यूपेशन को दिखाया गया, तो कास्ट ऑक्यूपेशन में क्या क्या दिखाया गया उसमें, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस कास्ट ऑक्यूपेशन में क्या क्या था, ठीक है। तीसरा जो था वो है लोहार मतलब गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन, वॉशरमैन क्लीनिंग क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े धोता वाला लोहार। सीन, ऑफ लोकल मार्केट्स, हम लोग इसका पिक्चर भी देखेंगे कैसा कैसा पिक्चर था जो पटना कलम स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स में बनाया गया, आगे देखेंगे। तो ठीक है, क्या था सब्जेक्ट ऑफ पटना कलम पेंटिंग, लोकल पीपल थे, आम नागरिक जो लोग जो उनका जो पेशा था उसके बारे में था। कास्ट ऑक्यूपेशन गोल्ड स्मिथ लोहार का पिक्चर दिखाया गया। वाशरमैन धोबी का कपड़ा, धोबी का दिखाया गया जो कि कपड़ा धोता हुआ धोबी। सीन्स ऑफ लोकल मार्केट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग ने एक वर्ड यूज करा है, क्या यूज करा है, कास्ट ऑक्यूपेशन। कास्ट ऑक्यूपेशन क्या है, तो लोग जैसा कि हम जानते हैं कि लोग नॉर्मल थे, काफी रईस तो थे नहीं, लोकल आदमी थे, तो उन लोग का जो पेशा था क्या क्या था आप लोगों ने अभी देखा, दे वर यूज टू बी वॉशरमैन, वॉशरमैन, गोल्ड स्मिथ, सेलर्स, ठीक है, छोटे व्यापारी मतलब नॉट एज बिग एज जो यूरोपियन जो बिजनेसमैन थे उस तरह के नहीं थे, लोकल एंड स्मॉल बिजनेस, बिजनेस मैन, ठीक है। तो कास्ट ऑक्यूपेशन जो कि फिरकी के नाम से भी जानते हैं क्या था, वॉशरमैन था, गोल्ड स्मिथ, सेलर, लोकल एंड स्मॉल बिजनेस मैन, ठीक है। तो हम लोग ने देखा इसका दूसरा फीचर, तीसरा फीचर हम लोग फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ इसका फीचर क्या था। तो इस पेंटिंग्स में बनाने के लिए जो कलर यूज होता था वो नेचुरल पेंटिंग था, मतलब इसको अगर लिखा जाए नेचुरल पेंटिंग्स, सॉरी नेचुरल कलर, नेचुरल कलर्स वर यूज्ड, ठीक है। तो ये कलर कौन कौन था भाई, कौन कौन कलर इसमें यूज किया गया, तो सबसे जो पहला था मेन जो कलर था वो था ब्लू, सेकंड था येलो, पीला मतलब ब्लू मतलब नीला, हरा ग्रीन, फिर उसके बाद आता है ब्लैक काला, और जो फिफ्थ था वो था लाल मतलब इश्क का रंग सफेद पिया, सॉरी मतलब लाल पिया, नीला। इसको बनाया कैसे जाता था हम लोग ये भी जानते हैं, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए अगर देखा जाए तो इस बार 60th बीपीएस में 8 नंबर का शायद इसमें शॉर्ट नोट्स था, तो उसमें हम लोग अगर टाइम अगर रहे तो लिख सकते हैं। ब्लू पेंटिंग्स किससे ऑब्टेन किया जाता था, वो था हमारा नील, नील की खेती होती थी, हम लोगों ने देखा है पहले लेक्चर में कि कैसे नील विद्रोह हुआ, फिर बिहार में 1917 में आके चंपारण सत्याग्रह हुआ नील की खेती के लिए। पीला जो था वो पीला ऑप्शन जो था पियर मिट्टी, अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो लोग क्या बोलते थे, पियर मिट्टी मतलब येलो सॉइल। ग्रीन, अब ग्रीन कहाँ से आता था,
तो वो था हमारा पीला प्लस नीला। क्या करते थे लोग, ग्रीन लाने के लिए लोग पीला और नीला मिलाकर अगर मिक्स कीजिएगा तो वो ग्रीन कलर में आ जाता था, इसलिए वो लोग ग्रीन कलर ऐसे बनाया करते थे। अब ब्लैक है तो ब्लैक तो भाई घर में चूल्हा जलता था, उस समय गैस वगैरह तो था नहीं, इसलिए ऐसे मतलब राख रेड। अब रेड हम लोग एक आप लोग जानते होंगे कि लाख बोलते हैं, ला ला जो बैंगल्स में यूज होता था, ठीक है, तो ला इंग्लिश में बोलते हैं उसको लैक, ठीक है। तो रेड कलर कहाँ से ऑप्टेन होता था, ला से, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फीचर जानते हैं जो कि पांचवा है। पांचवा क्या है कि पेंटिंग तो ठीक है बनाया तो करते थे, तो भाई बनाने के लिए कुछ होता भी चाहिए, मतलब कि पेंटिंग्स हवा में तो ऐसे नहीं बना लेंगे, पेंटिंग्स बनाने के लिए कुछ भी तो चाहिए था। तो पेंटिंग्स किस पे बनाया जाता था, वो था सबसे पहले जो था पेंटिंग्स अगर लिखा जाए तो पेंटिंग्स वर डन ऑन किस 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 चीज पे, आइवरी मतलब हाथी का दांत, दूसरा क्या था वेलम, वेलम मतलब क्या हुआ जो मतलब कि गाय का जो स्किन होता है सब बहुत पतला स्किन, उसको क्या बोलते हैं, गाय की जो चमड़ी की जो स्किन होती है, मतलब इसको लिख सकते हैं थिन स्किन ऑफ काउस, ठीक है। उस पर पेंटिंग किया जाता था। और किस पे, इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखा जाए तो इसमें बता देते हैं, इसको बोलते थे चर्म पत्र, ठीक है। वेलम को क्या बोलते हैं, चर्म पत्र। तीसरा जो इस पे बनाया जाता था, किस पे बनाया जाता था, हड्डी बोन्स पे, ठीक है। तो किस पे बनाया जाता था, आइवरी वेलम और बोन्स। और इसमें एक और था जो कि सबसे खास था, वो था क्या था, एक तरह का पेपर, क्या बोलते हैं उसको, लोकता पेपर, लोकता पेपर। तो ये एक प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकता पेपर, लोकता पेपर किससे रिलेटेड है, मतलब कि इसका जो एसोसिएशन है किससे है, तो वह है पटना कलम पेंटिंग से। तो लोकता पेपर को हम लोग नेपाली पेपर भी बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं नेप्सल कागज, नेप्सल कागज। ये नेपाल से आया करता था, इसलिए इसको नेपाली पेपर या लोकता पेपर बोलते थे, ठीक है। तो पेंटिंग्स वर डन ऑन आइवरी वेलम बोन्स एंड लोकता पेपर। अब आगे चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो सिक्स्थ है, उस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चमक लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुगल्स पेंटिंग्स जो बनाया करते थे उसमें चमक लाने के लिए अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स यूज किया करते थे, तो पटना कलम पेंटिंग में ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता था, कलर भी नेचुरल यूज होता था। और चमक लाने के लिए ये लोग एक तरह का एक पत्थर था जिसको बोलते थे अगेट स्टोन, हिंदी में इसको ये बोलते हैं अगेट पत्थर, और एंड सॉरी एंड हाथी का दांत जो है आइवरी, हाथी का दांत। तो क्या इस्तेमाल होता था, चमक लाने के लिए। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टू पॉलिश एंड ब्रिंग साइन इन इट, साइन इन इट पीपल जो कि पेंटर्स थे, पेंटर्स भी बोल सकते हैं, पेंटर्स ही बोलेंगे, पेंटर्स यूज्ड व्हाट दे यूज्ड एगेट स्टोन एंड आइवरी रगड़ कर, ठीक है। उसको जब फोटो जो पिक्चर जो बना लेते थे उसके बाद चमकाने के लिए वो लोग इससे रगड़ते थे फिक्सन से, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे जो है आगे जानेंगे कि नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था, सेवेंथ, सेवेंथ हो गया, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक था जो ब्रश से रिलेटेड है, ब्रश से रिलेटेड है। तो मेनली जो है, मेनली क्या मतलब कि मोस्टली जो है गिलहरी का जो पूंछ होता है, पतला ब्रश बनाने के लिए गिलहरी का पूंछ यूज किया गया, और मोटा ब्रश बनाने के लिए जो बेफेलो है भैंस का पूंछ जो है उसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू प्रिपेयर
पेंटिंग ब्रशेज टेल्स ऑफ सॉरी हेयर्स ऑफ टेल्स ऑफ लिख सकते हैं हम लोग, पूछ तो यूज नहीं हुआ, हेयर्स ऑफ टेल्स ऑफ स्क्विरल एंड हेयर्स ऑफ टेल्स ऑफ बफेलो वर यूज्ड, ठीक है। तो पेंट जो पेंट का जो ब्रश था वो गिलहरी का पूंछ और बफेलो का पूंछ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ एक और जो है फॉर मेकिंग ब्रॉड चौड़ा ब्रश बनाने के लिए, फॉर मेकिंग ब्रॉड ब्रश दे यूज्ड फीडर्स, मतलब पंख, किसका पंख, दे यूज्ड फीडर्स ऑफ कबूतर मतलब पिजन, कबूतर का जो पंख था वो ला एक तरह के एक लकड़ी का जो हल्का सा डंडा लेकर के उसके लास्ट में अंतिम छोर पे वो लोग चिपका देते थे और वो एक तरह का चौड़ा ब्रश बन जाता। कैसा बनता था देखिए हम बताते हैं अगर बना करके, कि माँ सपोज डेट कि ये एक वुडन लकड़ी है और इसमें चिपका दिया जाता था एक क्या कबूतर का ये पंख, तो ऐसा हो गया ये ब्रश। हम लोग देखते हैं यहाँ कि कबूतर का जो पंख गिरा हुआ रहता है अभी भी गिरा रहता है, तो ये क्या हो गया पिजन का कबूतर का पंख, ठीक अंतिम छोर पे लास्ट में बीच में करें तो बीच में कैसे, और ये तो यहाँ पर हैंडल हो गया, ये हो गया बोलते हैं हैंडल। तो पतला ब्रश बनाने के लिए गिलहरी का पूछ, मोटा ब्रश बनाने के लिए बफेलो का पूछ, मतलब पूछ मतलब उसके बाल, पूछ पूरा नहीं, पूछ काटने नहीं दिया जाता था, ठीक है, और चौड़ा ब्रश बनाने के लिए कबूतर का, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका 7 कैरेक्टरिस्टिक विशेषता हम लोगों ने पढ़ा, पटना कलम पेंटिंग्स के विशेषता। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसके जो मेन हम लोग आगे क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कि पटना कलम पेंटिंग्स के जो मेन मेन पेंटर्स थे, किसके द्वारा ये जो पेंटिंग्स किया जाता था उसके नाम हम लोग जानेंगे। तो अगेन लेट मी चेंज माय इंक, कौन सा कलर यूज किया जाए, वाइट, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, पेंटर्स हु पेंटेड इन पटना कलम स्टाइल मतलब शैली, हिंदी में बोला जाए तो शैली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो जो नाम है हम लोग फुलास दास को उलास दास के नाम से जानते हैं, ठीक है। उलास दास मतलब कि पटना कलम पेंटिंग से एसोसिएटेड और ये इसी स्टाइल में पेंटिंग्स किया करते थे। दूसरा जो है वो है सेवक राम, सेवक राम, सेवक राम, ठीक है। तीसरा जो है थर्ड जो हमारा हो गया, थर्ड क्या हो गया टुन्नीलाल, नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है टुन्नी लाल। फोर्थ जो है जो कि एक तरह से काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा आर्ट के फील्ड में, चित्रकारी के फील्ड में, इनका नाम रहा राधामोहन। तो इनका एक कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने पटना आर्ट स्कूल का जो होता है एक ब्रांच, जो स्टार्टिंग जो ब्रांच होता है वो इन्होंने सेटअप करा, पटना आर्ट स्कूल, क्या हो गया इसको क्या बोलते हैं इस सेटअप ऑफ ब्रांच ऑफ पटना आर्ट स्कूल, ये पटना में ही था, इन पटना, पटना के शायद पटना के गोविंद नगर में, गोविंद नगर में ये स्थापित किए गए पटना आर्ट स्कूल का एक ब्रांच। पांचवा जो है, पांचवा हमारे जो एक है उनका नाम था निसार मेहदी, ठीक है। तो ये किस लिए फेमस थे अगर देखा जाए तो ये फेमस थे, फेमस फॉर पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप्स,
इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में क्या बोलते हैं, परिदृश्य बोलते हैं इसको, परिदृश्य। ठीक है, तो ये क्या है, निसार महली जो है, लोग एक बार फिर से इसका, इन लोगों का नाम रिवाइज कर लेते हैं कि मेन मेन कौन थे। तो सबसे पहला आता है हुलास दास, सेवक राम, थर्ड है टुन्नीलाल, फोर्थ है राधा मोहन, जो कि पटना आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश किए। और जो इनमें जो नेक्स्ट आता है, जो मेन मैंने नाम तो बहुत है लेकिन जो मेन ही याद करना है आपको, मेन जो है वो है, मतलब कि जो पांचवा जो है वो है निसार मेहदी। इन्होंने क्या करा, फेमस थे ये पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप के फील्ड में। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, पटना कलम पेंटिंग्स में हम लोगों ने इसका इवोल्यूशन देखा, कैसे जन्म हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता देखा हम लोगों ने, स्पेलिंग गलत हुआ माइंड मत कीजिएगा। थर्ड हम लोगों ने देखा इसका डेवलपमेंट, कैसे डेवलप करा, पहले कैसे ये लोग मतलब कि बेरोजगारी से जूझ रहे थे, फिर पटना में आए और कैसे इन्होंने लोगों ने अपना पेंटिंग्स बनाया यूरोपियन मास्टर्स को, मतलब कि उसके राज्य में आकर के पटना में, अजीमाबाद में आकर के अलग अलग सेंटर से, वहाँ से इसका डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट और इवोल्यूशन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट ऑफ पटना कलम पेंटिंग या इवोल्यूशन ऑफ पटना कलम पेंटिंग, तो एक ही लिखेंगे। आगे जो हम लोगों ने पढ़ा फेमस पेंटर्स के नाम, हम लोगों ने जाने फेमस पेंटर्स के नाम, हम लोगों ने जाने। ठीक है, तो अभी तक का जो मेन समरी जो है, तो देखा जाए तो क्या था हमारा जो पटना कलम पेंटिंग स्टार्ट कब से हुआ, अगर देखा जाए तो अर्ली 18th सेंचुरी से इसका स्टार्ट हुआ। फिर मध्य 20वीं शताब्दी तक आते आते तक इसका विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद मध्य 20वीं शताब्दी के बाद इसका पतन स्टार्ट हो गया, मतलब टिल मिड 20th सेंचुरी इट फ्लोरिस्ट, आफ्टर दैट इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मतलब पतन का शिकार, शिकारी एक दिन खुद शिकार हो गया। कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं हम लोग आगे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पटना कलम पेंटिंग और ये जो जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग जो फ्लोरिश किया उस तरह से ये नहीं कर पाया, क्या क्या वजह थी इसके पतन का। तो देखते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग, रीजंस फॉर डिक्लिनेशन, पतन की वजह या पतन का वजह, पतन का वजह। हिंदी थोड़ा तंग है मेरा, क्या है तंग, इसलिए हिंदी लिखने से भी हम थोड़ा सा परहेज करते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको। पतन का वजह हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या वजह था जिससे हमारा जो पटना कलम पेंटिंग है वो पतन के गेट पे इसका डिक्लिनेशन हुआ। ठीक है, तो जहां तक हम बात करें तो डिक्लिनेशन का, इसके पतन का, तो तीन चार मेन रीजन था इसकी वजह से यह इसका जो पतन था वो हुआ। तो हम लोग जो एक पेज चेंज कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे एक टॉपिक बना लेते हैं, रीजंस फॉर डिक्लिनेशन ऑफ पटना कलम पेंटिंग। सबसे पहला रीजन, जिस तरह से हम लोग ने देखते हैं अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखते हैं तो एक वर्ड आता है जागीरदारी क्राइसिस, क्या आता है जागीरदारी क्राइसिस। हम लोग इसको पेंटिंग को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़िए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जागीरदारी क्राइसिस में हम लोग एक छोटा सा बता देते हैं क्या हुआ था। जागीरदारी क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो यूरोपियन मास्टर्स थे जमींदार को, उन्होंने एक जिम्मा सौंपा था कि इतने जो शेयर है, जो प्रोडक्शन का जो टैक्स है वो मेरे को चाहिए। ठीक है, और ये बदले में जो जमींदार थे वो किसान से खेती करवाते थे और
उसके बदले में वो लोग अपना हिस्सा किसान से मांगते थे। तो ये जो सिर्फ किसान जो खेती करते थे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया जिससे जो सॉयल का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, या जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। कोई भी ऐसा मेथड का यूज नहीं किया जिससे इरिगेशन का जो फैसिलिटी है वो इजी वे में हो सके। तो एक तरह से देखकर देख सकते हैं कि नो स्टेप्स वर टेकन फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट साइड। तो इसका जो रिजल्ट था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, इसका हम लोगों ने रिजल्ट देखा है। क्या देखा है? रिवोल्ट। रिवोल्ट किसका? 1857, ठीक है। आगे चल के जो 1857 का जो विद्रोह होता है, और जो भी हम लोगों ने अब पिछले वीडियो के लेक्चर में देखा, नील विद्रोह होता है, या पवना एग्रीकेरियन रिवोल्ट होता है, या बिरसा मुंडा एग्रीकेरियन रिवोल्ट होता है, वो सब का जड़ कहीं ना कहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्टेप न लिया जाना था। तो इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो पटना कलम पेंटिंग्स का जो मेन रीजन था, क्या रीजन था गिरने का, इसमें हम लिख सकते हैं, नो स्टेप्स वर टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्सपोजर, मतलब प्रसार। ऐसा नहीं था कि देश विदेश में इसके बारे में बताया जा सके, उन्होंने ये स्टेप लिया ही नहीं, एफर्ट ही नहीं मारा, ठीक है। तो आज तो हम लोग बहुत एफर्ट मारते हैं बंदी को पटाने के लिए कि भाई ये मैसेज वहाँ भी कर देंगे, ये भी खिला देंगे, चॉकलेट खिला देंगे, ये उन्होंने नहीं करा। शायद हम लोग होते तो शायद एक्सपोजर मिल जाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, नो स्टेप्स टेकन बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्सपोजर एंड इट्स डेवलपमेंट। फ्लो फ्लो में निकल जाता है यार, क्या किया जाए, ठीक है। इंसान है, गलती हो ही जाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों साइड के लिए है, भाई लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, कि स्टेप एफर्ट जो है लिमिटेड वे में मारिए, नहीं तो फिर खुद मर जाइएगा। खैर अब तो कोई मरता नहीं है। दूसरा क्या रीजन था, टॉपिक पे आते हैं, डिमांड्स वर डिक्रीज। डिमांड्स वर डिक्रीज मतलब भाई डिमांड्स कम हो गए थे पेंटिंग्स का। डिमांड मतलब कि पहले की तरह उसका डिमांड नहीं था कि हाँ बहुत ज्यादा डिमांड है, घर में अपने लोग ज्यादा, मतलब कि उस तरह का डिमांड था नहीं पहले की तरह। तीसरा जो रीजन है, तीसरा कह सकते हैं, फोटोग्राफी का आगमन। मतलब अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी का इमरजेंस, फोटोग्राफी का इमरजेंस। तो हम लोग इसको क्या से कनेक्ट करते हैं, तो चलिए कनेक्ट करके देखते हैं इसको क्या से कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री में चलते हैं अब, ये थे इंडियन हिस्ट्री से वर्ल्ड हिस्ट्री, कनेक्टिंग द बाई पॉइंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या फैक्ट्री को जन्म दिया, तो इससे रिलेटेड है, मशीनरी इंडस्ट्रीज, टेक्निकल इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक, टेक्निक साइंस एंड टेक डेवलप किया, साइंस एंड टेक, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, फोटोग्राफी। अब जब फोटोग्राफी जब इंटर हुआ मार्केट में 20वीं शताब्दी, मध्य 20वीं शताब्दी के लिए, बट मतलब कि इंडियन में, इंडिया में का वजह का जो रिजल्ट था वो था डिक्रीज इन पॉपुलैरिटी ऑफ पेंटिंग्स। लोग अब पेंटिंग्स को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते थे, अब वो कैमरा लेके DSLR अब ना आ गया है। पहले फोटोग्राफी ऐसे ही होता था, छोटा वाला, किसी के पास अगर कौन तो कैमरा होता था, हमारे पास एक था कि रील्स में भरा जाता था, रील्स रील्स उसमें कॉडेक का था, शायद कॉडेक कॉडेक ही बोलते थे उसको, कॉडेक का कैमरा हुआ करता था पहले, तो वो हम लोग काफ़ी प्रीफर करते थे उस टाइम, काफ़ी मतलब कि हम लोग उसको शो ऑफ करते कि हाँ देखो भाई मेरे पास कॉडेक का कैमरा है। अब तो खैर सबके पास कैमरा आ गया, मोबाइल में कैमरा आ गया है, तो एक तरह का यह रीजन देखते हैं क्या है, फोटोग्राफी का इमरजेंस, जिसकी वजह से ये पटना कलम पेंटिंग का डिक्रीशन हुआ। फोर्थ है, कंपटीशन बढ़ गया भाई, आज के मार्केट में जैसे कंपटीशन बढ़ा हुआ है, कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है,
लड़के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़के ज़्यादा था हम एक सेक्टर के मतलब कि भाई नंबर ला रहे हैं, मतलब कि SSC में तो भाई 150 में 145 ऐसा है कट ऑफ, शायद 150 का नहीं होता है, कितने का होता है, 200 का होता है शायद, हाँ 200 में 147 तो कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन विथ हुम, कंपटीशन विथ हुम, कंपटीशन विथ मधु बनी पेंटिंग्स। ठीक है, मधु पेंटिंग्स जो इसका था, जो काउंटर इन जो कंटेम्पोररी चल रहा था वो, उससे कंपटीशन का हो गया। फिफ्थ जो था, जो पेंटर्स पटना कलम स्टाइल में पेंट किया करते थे उनकी मृत्यु हो चली थी। ठीक है, पेंटर्स हु यूज टू पेंट इन पटना कलम स्टाइल वर डेड बाय मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या वजह बना जिसके वजह से पटना कलम पेंटिंग जो है वो डिक्लाइन किया, इसका जो पतन हुआ। सबसे पहला है कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया जाना। दूसरा है डिमांड्स वर डिक्रीज, मतलब डिमांड इसका घट गया। तीसरा है फोटोग्राफी का इमरजेंस, मतलब फोटो कैमरा आ गया भाई, क्या आ गया, कोडेक वाला कैमरा आ गया, कोडेक वाला कैमरा आ गया, लोग फोटोग्राफी करने लग गए, जिससे पेंटिंग्स का जो एक फैशन था वो जो वोग से हट गया। ठीक है, फैशन से हट गया। चौथा क्या था, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन किसके साथ बढ़ा, मधु पेंटिंग्स के, मधुबनी पेंटिंग्स के साथ इसका कंपटीशन बढ़ गया। पांचवा क्या था, जो पेंटर्स यूज करते थे क्या, जैसे लोग नाम पड़ा, हुलास दास, राम सेवक, वो लोग भाई स्वर्ग सिधार चुके थे। तो अब पहले की तरह पेंटर्स बचे नहीं थे, पेंटिंग करने उसी स्टाइल में होता नहीं था, इसलिए पेंटिंग्स का डिक्लिनेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर आज की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा, अगर इसको करेंट अफेयर्स से अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे उन्होंने कनेक्ट करा, पहले एग्रीकल्चर से कनेक्ट करा ऊपर, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करा, और अभी क्या कनेक्ट कर रहे हैं, अभी करेंगे हम लोग करेंट, मतलब करेंट इवेंट से भी इसको कनेक्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब करेंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर मेंस में अगर हम लोग थोड़ा सा टिल्ट देकर, थोड़ा सा इसको झुका करके करेंट इवेंट से जोड़ते हैं, तो हम लोग को मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, नंबर्स तो कम ही मिलता है, कितना भी लिख लीजिए, खैर आंसर होगा तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर। तो चलिए इसको करेंट के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी स्टेप लिया जा रहा है जिससे हम लोग क्या कर सके, रिवाइव कर सके पटना कलम पेंटिंग। तो इसमें लिख सकते हैं, स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिवाइव पटना कलम पेंटिंग्स, करेंट से इसको कनेक्ट करते हैं। अब क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आया पटना स्थित पटना म्यूजियम में लगा पोस्टर इसकी भव्यता को दर्शाता है, तो लोग वहां जाएंगे पटना म्यूजियम में, वहां देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो विरासत है पटना कलम पेंटिंग का जो विरासत है वो इमर्ज होगा, जागा रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पटना स्थित, इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए, पोस्टर विच इज एट दी पटना म्यूजियम शोज इट्स ग्रैंडनेस। ठीक है, किसकी ग्रैंडनेस, पटना कलम पेंटिंग्स, हम लोग इसका पिक्चर भी देखेंगे आगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो इसका दूसरा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पटना आर्ट्स कॉलेज जो कि पटना म्यूजियम के बगल में ही है, तारामंडल से जो रास्ता जो जाता है उधर से है, तो पटना आर्ट्स कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई होती है, चित्रकारी की पढ़ाई होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो उसके दीवारों पे मधुबनी पेंटिंग्स के साथ साथ पटना पेंटिंग के, पटना कलम पेंटिंग के स्टाइल में भी पेंट किया गया है। ठीक है,
वॉल्स ऑफ पटना आर्ट्स कॉलेज आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स विच आर डन इन पटना कलम स्टाइल। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या क्या है इसके बारे में लिख सकते हैं, हम लोग जगह जानते हैं कि खजांची रोड पटना अशोक राजपथ का जो एरिया है वहाँ पे एक बहुत पुराना लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी तो इसका जो पेंटिंग्स है, जो पटना कलम पेंटिंग्स का जो स्टाइल है उसको वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, पेंटिंग्स इन पटना कलम कलम स्टाइल वर एंड इन द एम्बियंस ऑफ व्हाट, एम्बियंस ऑफ खुदा बख्स अलाइव डेरी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि पटना स्थित गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान में हर एक साल पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है, उसमें हर एक मतलब कि बिहार के अलग 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 डिस्ट्रिक्ट से पेंटर्स आते हैं, चित्रकार आते हैं, जो कि अपना जो स्टाइल है पटना कलम पेंटिंग का जो स्टाइल है उसमें उस वे में पेंटिंग करके अपना जो जो वो लोग का जो बनाया गया जो पीस है पेंटिंग का पीस है वो वहाँ पे दर्शाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर जोड़ा जाए तो हर एक साल इसका स्टेप लिया जा रहा है रिवाइवल के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, एट पटना नहीं एट गांधी मैदान इन पटना एवरी ईयर अ बुक फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अ बुक फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड पूरी स्टॉप लेकर, पीपल हु पेंट्स इन पटना कलम स्टाइल यूज टू कम एंड शोकेस इट्स ग्रैंडनेस एंड ड्यूसी ड्यूटी। ठीक है, तो पुस्तक मेला जो गांधी मैदान में होता है वहाँ से अलग अलग हर एक एरिया से फ्रॉम ऑल देख सकते हैं इसमें फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग ने देखा इसका करेंट अफेयर्स है, इसको हम लोग क्या कनेक्ट किए, कनेक्टिंग कनेक्टेड विथ करेंट अफेयर्स। ठीक है, पटना कलम पेंटिंग को हम लोग किससे कनेक्ट किए हैं, करेंट अफेयर्स से कनेक्ट किए हैं। अब सर एंड मैम, इस वीडियो के लेक्चर में पटना कलम पेंटिंग्स के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, इसके बैकग्राउंड्स के बारे में जाना, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और इसका एवोल्यूशन के बारे में जाना। क्या क्या जाना हम लोगों ने, सबसे पहला क्या जाना, बैकग्राउंड, इसको हम लोग किससे कनेक्ट किए हैं, एंशेंट हिस्ट्री से भी कनेक्ट किए हैं और किससे कनेक्ट किए हैं हम लोग इसको, एंशेंट हिस्ट्री से कनेक्ट किए, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कनेक्ट किए। जो हम लोगों ने सेकंड पढ़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इसका एवोल्यूशन, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा इसका डेक्लिनेशन, फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा इसका फेमस पेंटर्स। ठीक है, और जो इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा सिक्स जो पढ़ा हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया करेंट अफेयर से, जो अभी जो करेंट में स्टेप्स लिए जा रहे हैं, स्टेप्स टेकन टू रिवाइव पटना कलम पेंटिंग। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, क्या क्या पढ़ा एक बार,
बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशन, डेक्लिनेशन, फेमस पेंटर्स, स्टेप्स टेकन टू रिवाइव द पेंटिंग। तो अब हम लोगों ने इसका जो है सारे जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ पटना पीकेपी, पटना कलम पेंटिंग्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि मेंस के इसका प्रीलिम्स में इस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन मेंस में हर एक अल्टरनेट ईयर्स एक क्वेश्चन तो आता ही है जो कि मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड आता है या तो फिर पटना कलम पेंटिंग से रिलेटेड आ ही जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप कि मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई अब आज का तो हो गया लेक्चर, पसंद आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा क्योंकि हमने सारा इसका जो डायमेंशन को टच करा है, टच क्या उसको टोटली डिस्कस करा है। आठ नंबर का आठ मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।